लेकिन हमें बीच बीच में कुछ आवाजें यहाँ पर आई हैं। उन आवाजों ने हमें एक बार थोड़ा सा अनकॉन्शियस महसूस करवाया है। मेरे टीम मेंबर्स काफी डरे हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं अपनी टीम के साथ में दिल्ली के एक और हॉरर प्लेस पर आया हूं, जो कि हमारा चाणक्यपुरी में पड़ता है, जिसका नाम है मालचा महल। इस महल से जुड़ी हमें बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें आज पता लगानी है, क्योंकि यहां पर हॉरर से रिलेटेड चीज़ें हमें सुनने में आती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखिए कि आज हम यहाँ पर कितनी सारी रहस्यमय चीज़ों का पता लगाएंगे। हम आ चुके हैं मालचा महल के उस रास्ते पे, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैरिकेड लगा रखा है। यहाँ पर जाना वैसे तो मना है, और यहाँ पर जाने के लिए आप अपने रिस्क पर जाएंगे, जिस प्रकार से मैं अपने रिस्क पर अपनी टीम के साथ यहाँ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अंदर जाऊँगा और मैं अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने एक पार्टनर से एक लाइट मांग लेता हूँ, ताकि मेरे को थोड़ा आगे जाने का रास्ता दिख सके, क्योंकि अंदर पूरे का पूरा जंगल है। इतना घोर जंगल कि ये लगा लीजिए कि हमें यहाँ पर थोड़े बहुत जानवरों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, और इन आवाजों के साथ हमें थोड़ा बहुत डर महसूस हो रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अंदर किस प्रकार का माहौल होगा। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों, चलते अंदर थोड़ा सा, और हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा हमें बैरिकेड ये क्रॉस करना पड़ेगा। और ये देख पा रहे हैं आप मेरे पीछे कितना ज़्यादा घोर अंधेरा है, मतलब इतना ज़्यादा हॉरर प्लेस मैं अपनी लाइफ में पहली बार ही विज़िट कर रहा हूँ, और ये कुछ मुझे बड़ा ही भयानक सा महसूस हो रहा है यहाँ पे। तो हम चलेंगे अंदर थोड़ा सा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे हॉरर महसूस हो रहा है, और ये लगा लो कि चारों तरफ गुप्त अंधेरा, इतना ज़्यादा अंधेरा कि जितना अंधेरा एक अमावस की रात को होता है, उससे भी ज़्यादा अंधेरा। बस जानवरों की थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें दूर दूर तक आवाज़ आ रही है। वो लोमड़ी हो सकता है, वो कुत्ता हो सकता है। ऐसा सुनने में आता है कि इस जगह पर सांप, बिच्छू और विभिन्न प्रकार के ऐसे कीड़े हैं, जिनसे हमें सावधान रहना है। और आगे देखते हैं जाकर कि किस प्रकार का माहौल हमें दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं एक लाइट और ले लेता हूँ यहाँ से। चलिए भाई, चलते आगे। आप थोड़ा सा ये आगे का रास्ता दिखाएं इनको कि कैसा रास्ता है। बिल्कुल ये खाली सा रास्ता है, ये बिल्कुल जो कि सुनसान है, बिल्कुल सुनसान, इतना ज़्यादा सुनसान कि बस हमें यहाँ पे भी अपने कदमों की आवाज़ आ रही है। और ये झाड़ियाँ जो हैं, ये बड़ी ही हमें डरावनी सी दिख रही हैं। चारों तरफ मकड़ी के जाले फैले हुए हैं। दोस्तों, ये है इस महल की वो सीढ़ियाँ जो हमें महल के अंदर का रास्ता दिखाएंगी। अब हम इस महल के अंदर अपना पहला कदम रख रहे हैं, भगवान का नाम लेकर इसमें पहला कदम रखेंगे, क्योंकि सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डरावना प्लेस है। इतना ज़्यादा डरावना प्लेस मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। तो प्लीज़ आप बने रहिए मेरे साथ में, देखते हैं हमें क्या मिलता है अंदर। आइए मेरे साथ साथ में। हम आ चुके हैं इस महल के अंदर, जो हमें यहाँ पर बहुत पुराने समय का चित्रण दे रहा है। जिस प्रकार से महल बना हुआ है, इसका इतना बड़ा जो गेट है, उसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने इस जगह को अपने शिकार करने के लिए बनाया था, और वहाँ से इस महल का जो नाम है वो रखा जाता है, और वहीं से नाम बहुत ज़्यादा फेमस होता है आपका। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा है, और यहाँ पर मुझे कुछ सुन सुन की आवाज़ भी आ रही है। देखेंगे अगर आप मेरे यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये इसकी खिड़कियाँ हैं इस महल की, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मुझे डरावना सा महसूस करवा रहा है ये महल। दिखाना चाहता हूँ आपको मैं ये वाला जो हिस्सा है, ये लकड़ी का जो ये यहाँ पर जलाया हुआ है लोगों ने, ये इसका मतलब है यहाँ पे अतिक्रमण किया गया है। लोगों ने किया है, चोरों ने किया है, लुटेरों ने किया है, हमें नहीं पता। बता देता हूँ कि ये इतना ज़्यादा एक हॉरर प्लेस है, जहाँ पर अभी रात के लगभग लगभग 12 बजे का समय है, और यहाँ पर हमें सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ आ रही है, और कुछ अजीब गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो अजीब गरीब आवाज़ जो हमें आ रही है, वो हमारे रोंगटे तक खड़े कर रही है। और हम अपने रिस्क पर यहाँ आ तो गए हैं,
और ये लगा लीजिए बस हम थोड़ा सा अपने अंदर हौसला बनाए रखेंगे ताकि हम इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। यहाँ पर मैं आपको इसका पूरे वह चित्रण करवा देना चाहता हूँ। यहाँ पे चमगादड़ भी बहुत सारे हमें दिखे हैं अभी, और चमगादड़ के साथ साथ में ये इसका लोहे का गेट देख सकते हो आप यहाँ पर, ये लोहे का गेट जो कि टूटा हुआ है पीछे मेरे पीछे। यहाँ पर कुछ ही इस प्रकार के निशान बना रखे हैं, किसी भी चीज़ संबंधित हो सकते हैं। तो टीम मेंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हो ऊपर का हिस्से वाला, यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ समय पहले आग लगा रखी है लोगों ने, जलाया हुआ चीज़ों को, क्योंकि जलाने के बाद ही हमें यहाँ पे जो चित्रण महसूस हो रहा है ये देख सकते हैं। हमारे पीछे लकड़ी का एक ये किस प्रकार से आधा जला हुआ है, आधा टूटा हुआ ये वाला हिस्सा। और टीम मेंबर देखिए यहाँ पे लोहे का जो गेट है कितना बड़ा ये। कैमरामैन एक थोड़ा और आप आगे आएंगे हमारे साथ में। यहाँ से जो हम देख पा रहे हैं ना इस वाला जो हिस्सा ही हमारा, ये हमें बाहर जंगलों की तरफ का ये रास्ता दिखाता है जो कि यहाँ से बाहर निकलने का। और अभी हम इस किले के पीछे वाले हिस्से में हैं जहाँ पर ये पूरी तरफ से जंगलों से भरा हुआ है। देख सकते हैं मेरे पास ये पूरे का पूरा हिस्सा जो जंगलों में भरा हुआ ये, और मुझे पता नहीं है कि ये पेड़ के ऊपर एक कपड़ा सा दिखाई दे रहा है, शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं दिखेगा मैं नहीं जानता। दोस्तों जब मैंने इस कपड़े को देखा तो एक सेकेंड के लिए मेरी जान निकल गई थी, ये लगा लो कि मेरी सांसें रुक गई थी एकदम से। एक तो इतना सुनसान एरिया, रहस्यमय एरिया, और थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे घनघोर जंगल है यहाँ पे। दोस्तों लगभग रात के 12:30 बजे का समय है और हम यहाँ पे अभी इसकी सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। अंदर से पूरे का पूरा वीराना किला है ये। अभी हम अंदर जा रहे हैं, एक्सप्लोर करेंगे इसको अंदर से और भी देखेंगे यहाँ पे हमें क्या मिलता है। यहाँ पे हम यहाँ पे रात 3 बजे तक रुकने वाले हैं लगभग। तो चलो दोस्तों अंदर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं एक बार कि हमें और क्या दिखता है यहाँ पे। आइए, थोड़ा सावधानी से आइएगा क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी टूटी हुई हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे काफ़ी देर वेट करेंगे अंदर, और वेट करने के बाद ये देखेंगे कि हमें यहाँ पे आज रात में कैसी एक्टिविटी महसूस होती है। तो बने रहिए हमारे साथ में यार आप। दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत सारे चमगादड़ दिखे हैं, छिपकलियाँ दिखी हैं, कुछ कुछ जगह तो हमें यहाँ पर बिच्छू भी दिखाई दिए हैं। और अब हम एक बार और अंदर चलते हैं, इसके एक्सप्लोर करते हैं उसको अंदर से। बहुत ज्यादा अंधेरा, इतना घना अंधेरा। ये तो अच्छा हुआ कि हम अपने साथ में लाइट लेकर आए हैं, और ये ऊपर का नजारा देख सकते हैं। यहाँ पे जो पत्थरों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है ये बहुत पुरानी कारीगरी को दिखाते हैं, और चमगादड़ यहाँ पे बहुत सारे हैं तो हमें थोड़ा चमगादड़ों से बच के रहना है भाई। इधर का जो एरिया आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से, ये पूरे का पूरा इसके अंदर का नज़ारा ये। अगर ये चमगादड़ में कुछ चिपक जाता तो मेरे पास अभी ना नमक है ना गरम चिमटा है जिससे मैं उसको उतार सकता हूँ, और मेरे टीम मेंबर जो हैं थोड़े बहुत सहमे से मुझे लग रहे हैं। बट हमें हौसला बना के रखना है यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे और आते पीछे, ये देख सकते हैं यहाँ पे लाल जो रंग की कारपेट है यहाँ पे ये, और ये बड़ा ही सहमा सा नज़ारा देख पा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ देखेंगे बहुत पुराना फ्रिज रखा हुआ ये, जिसके अंदर ये ऑरेंज सा कलर गिरा हुआ है, ये हमें नहीं पता किस चीज़ का। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ मिस हैपन्ड हुआ है यहाँ पे, और उस मिस हैपनिंग की वजह से ही हम यहाँ देख पा रहे किस प्रकार से लोगों ने तोड़फोड़ यहाँ पे। आई डोंट नो कि लोगों ने तोड़फोड़ की है या किन्होंने तोड़फोड़ की है, लेकिन ये देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये चीज़ें टूटी हुई हैं यहाँ पे सारी की सारी। और ये देखो यहाँ पे पुराने ज़माने की कुर्सी भी रखी हुई है ये। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लकड़ी का ये कुछ टेबल रखा हुआ है, और इसी के जस्ट पीछे ही यहाँ पर एक कुर्सी जो कि बहुत टूटी हुई हाल में रखी हुई है ये। इसकी हालत देख के लग रहा है कि यहाँ पे लोगों ने बड़ी ही बर्बरता की इन चीज़ों के साथ में। दोस्तों रात के 1 बजे का समय है और मैं अपनी टीम के साथ यहीं पे बैठा हूँ अभी। हमें अभी तक कोई ऐसी हलचल वाली एक्टिविटी तो महसूस नहीं हुई है, लेकिन हमें बीच बीच में कुछ आवाज़ें यहाँ पर आई। उन आवाज़ों ने हमें एक बार थोड़ा सा अनकॉन्शियस महसूस करवाया है। मेरे टीम मेंबर्स काफ़ी डरे हुए हैं, मुझे भी डर लग रहा है काफ़ी, क्योंकि रात के समय यहाँ पर कोई भी नहीं है, और इस एरिया के आसपास 1 किलोमीटर तक कोई भी नहीं है, चारों तरफ जंगल ही जंगल। देख सकते हैं कि मैं अभी पूरे इस किले के बीचों बीच बैठा हूँ, और
थोड़ा सा नजारा एक बार किले का देख लीजिए आप किस प्रकार से है। कश्मीर जी एच ओ का स्पेस छोड़ा हुआ यहाँ पे एस टी, यानी कि कश्मीरी भूत। जो इस किले की जो महारानी थी उसका संबंध अवध से था, उसका एक पुत्र था और एक पुत्री थी। कुछ समय पहले ऐसा माना जाता है कि उस लेडीज ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या की कहानी का तो नहीं पता लग पाया कि क्यों आत्महत्या की थी। उस लेडीज की आत्महत्या करने के बाद में जो उसका बेटा था अली और उसकी जो बेटी थी वो यहीं पर रहते थे, और ऐसा माना जाता है कि उनके पास में बहुत सारे कुत्ते थे और वो बाहर के लोगों से अपना संबंध बिल्कुल नहीं रखते थे। यानी कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति उनसे मिलने आता था यहाँ पे तो वो उनके साथ अपना रिलेशन बिल्कुल कट करके आते थे। दोस्तों रात के 2 बजे का समय है, हमें काफ़ी देर हो गई यहाँ पे वेट करते करते। हमने काफ़ी सारी एक्टिविटी यहाँ पे महसूस की है, चमगादड़ों की आवाज़ सुनी है, जंगली जानवरों की आवाज़ सुनी है, अंदर भी कुछ आहट हमें सुनाई दी है। यहाँ पे जो एक जब हमने अंदर घुसे और जब हमने कुछ चीज़ों को हाथ लगाया तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम बहुत पुराने समय में यहाँ पे चले गए हैं। तो हम अपनी आँखों से ऐसा कोई भूत वगैरह तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर महसूस हो रहा है हमें कि कुछ चीज़ है, किसी चीज़ की आवाज़ आहट है हमारे आसपास। ऐसा सुनने में आता है कि जो बेगम यहाँ पे मरी थी वो रात के समय में लोगों को अपनी आवाज़ों से डराती है। वो आवाज़ें, उसकी चलने की आवाज़ें, उसकी हंसने की आवाज़ें यहाँ पे आती रहती हैं। हम जब इस पूरे घर को एक्सप्लोर कर रहे थे तो बीच बीच में हमें 2-3 बार आवाज़ें आई भी थी। अभी हम यहाँ पे दोस्तों थोड़ी देर और एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों रात में लगभग 3 बजे का समय हो चुका है यहाँ पे, और आप हमारे पीछे ये पूरे का पूरा जो इसका एंट्री गेट है वो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डरावना प्लेस है, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, हद से ज़्यादा डरावना एरिया। पर्सनली रिकमेंड करना चाहता हूँ, प्लीज़ कभी मत आना, कभी आने की सोचना तो भी मत आना, सोचना भी मत यार, क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पे रात के 4 घंटे कैसे बिताए हैं। और अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे और रुकूं। एक मेरी टीम मेंबर का इसको सुनने में आया था जब मुझे बता रहा था कि बीच में एक अचानक से पत्थर से टकरा गया था और वहाँ पे गिर भी गया ये, तो मैं नहीं जानता कि गिरा क्यों, हकीकत में कुछ था या गिरने की कोई और वजह थी। मेरे टीम मेंबर्स को भी थोड़ा यहाँ पे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी है। इसने मुझे बताया कि एक कमरे के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है। तो थोड़ा सा कैमरे से आप देख सकते हैं मेरे राइट वाले हिस्से में और लेफ्ट वाले हिस्से में कितना ज़्यादा सुनसान एरिया यार। और ये झाड़ियाँ जो आप देख पा रहे हैं, हमें ज़्यादातर डर तो इन झाड़ियों से लग रहा है। तो दोस्तों हम अब यहाँ से चलेंगे क्योंकि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं लग रही मुझे। सो हम यहाँ से अब जाएंगे अपने घर पे। दोस्तों अब हम घर जा रहे हैं, और ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ मेरा पहली बार था, तो प्लीज़ यार अपना थोड़ा सा प्यार बना लेना हमारी इस वीडियो के साथ में, और शेयर और लाइक ज़रूर करना यार, ताकि हम अपनी अगली वीडियो आप लोगों के सामने एक अलग मिस्टीरियस प्लेस में एक अलग तरीके से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के ला सकें।